तो चलिए दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करती हूँ फिर से एक नया वीडियो। वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप लोगों को दिखाऊंगा फ्रेश टमाटो कैसे बनती है और इसका खेत कैसा होता है और इसकी बीमारी के बारे में। तो ये है फ्रेश टमाटो, ये देखिए उठा रही है, ये देखिए। तो इसे टमाटो का खेत हमारे फार्म के बीच में भी है, तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसका पेड़, ये लग रहा है, ये देखिए टमाटो पक गई है। तो लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जब आप लोग इसका खेत करती है तो इस खेत में बहुत सारी बीमारी आती है। जैसे इसका एक बीमारी है जिसको ब्लाट कहती है, यानी इसका एक बीमार का नाम है, जो बिलही इसको कहती है। तो बिलही में भी लगती है, फूलगोभी में लगती है, सारे सब्जियां में लगती है। तो ये देखिए इतना सुंदर लग रहा है, लेकिन कुछ पेड़ ऐसा हो गया, ये देखिए नष्ट हो रहा है। तो इसको हम कैसे रुके इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ये देखिए ख़त्म हो गया, एक खेत उठा रहा है। इसके बाद इसमें एक मेडिसिन स्प्रे करेगी, उसका नाम आप लोगों को मैं बता दूंगा। अगर आप लोग खेत करती है यानी फार्म के बीच में आप लोग लगाया है तो इसको स्प्रे कर सकती है। ये देखिए ख़त्म हो गया है, ये देखिए। तो अगर आप लोग एक मेडिसिन का नाम, इसका नाम आप लोग सुना है, इसका नाम है इक्का। तो इक्का अगर आप लोग एक्सप्रे करेंगे तो इसमें ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन लगातार स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपका खेत ठीक हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि न्यू वीडियो आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइज़।